पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने प्रदर्शन किया और साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश की सरकार को आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भेजा। समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में तमाम व्यापारी जिला मुख्यालय पर आकर प्रदेश की भ्रष्ट कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गोरखपुर के एक होटल में पुलिस ने पूछताछ के दौरान व्यापारी मनीष गुप्ता की पिटाई की और बुरी तरह से प्रताड़ित किया, जिससे व्यापारी की मौत हो गई। प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था के खिलाफ अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। इस सरकार में कोई व्यापारी या आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे रखी गई, जिसमें दोषी अफसरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन देने वालों में तरुण मदान, अतुल गुप्ता, राजकुमार शर्मा, संजय अग्रवाल, पंडित सत्येंद्र शर्मा मौजूद रहे। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापार सभा डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करेगी कि जो हत्या हुई है मनीष गुप्ता की, और इस सरकार में हर व्यक्ति और व्यापारी वर्ग, खासतौर से व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये है कि इन हत्याओं को, इसमें दोषी अफसरों का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। आप लोग कहाँ हैं आज? कहाँ हैं? कहाँ पे आए आप लोग? आज कलेक्ट्रेट पे हमारा ज्ञापन है, उसी संदर्भ में हम डीएम साहब के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को ये ज्ञापन देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।